हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाद खट्टा मीठा। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ फलाहार स्पेशल रेसिपी। नवरात्रि चल रही है तो आज हम यहाँ पे बनाएंगे फलाहार की रेसिपी। तो आप सब भी अगर फलाहार करते हो, नवरात्रि में 9 दिन व्रत रहते हो, तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है देसी घी और इसमें मैंने जीरे का तड़का लगा दिया है। आलू को मैंने पहले ही बॉइल कर लिया था और फिर इनको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप सब जीरा खाना ना पसंद करते हो या फलाहार में आप सब जीरा ना खाते हो तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आज बनाया है आलू के दही की सब्ज़ी और साथ में मैंने यहाँ पर ग्रेवी वाली आलू दही की सब्ज़ी भी बनाई है। ये एक वाइट सॉस में हम बनाएंगे और ये रेड सॉस में बनाएंगे। रेड सॉस का मतलब हमारा ये है कि इसमें हम टमाटर को ऐड करेंगे। तो इसकी रेसिपी भी आगे आप सब हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कि कैसे हम इनको बनाते हैं। तो दो तरह के फलाहार के आलू वाली दही की सब्ज़ी को हम बनाएंगे, आज क्रिएट करेंगे। एक ही वीडियो में हम दो सब्जी को क्रिएट करेंगे। तो आप सब हमारे वीडियो पे बने रहे और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये देखिए, मैंने आलू को बहुत ही अच्छे से भून लिया है। आलू हमारा कुछ इस तरह से अच्छे से क्रिस्पी हो जाना चाहिए, लाल हो जाना चाहिए। अब इसके अंदर हम ग्रेटेड जीरा जिंजर डाल देंगे। आप इनको इस तरह से ग्रेट करके डालिए तो उससे इनका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और खाने में थोड़ा सा क्रंचीनेस लगता है। तो इस तरह से हम पहले अदरक को भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे, 1 या 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हमको इनको बहुत नहीं भूनना है, ये थोड़ा सा इनका पानी जल जाना चाहिए। और जो कढ़ाई में हमारे आलू चिपक जाते हैं उनको भी आप इनको वेस्ट ना करें, इनको भी आप अच्छे से निकाल के दही में ऐड करें, जिससे आपका दही का फ्लेवर और भी अच्छा लगता है। तो इसमें देखिए, मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। नमक मैंने यहाँ पे सेंधा नमक यूज़ किया है क्योंकि फलाहार में सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं। अगर आप सब नमक ना खाते हो तो नमक को स्किप भी कर सकते हैं। कुछ लोग फलाहार में बिना नमक के भी करते हैं और कुछ लोग नमक को भी ऐड करते हैं। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए और इनको भी अच्छे से मिक्स करिए ताकि आलू के साथ नमक हमारा अच्छे से मिक्स हो। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप के करीब दही। ये खट्टी दही नहीं है, घर की नॉर्मल दही है। तो आप सब भगवान को भोग लगाते होंगे, दुर्गा माँ को आप दही का भोग लगाते होंगे, आप उसी दही से इनका सब्जी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद इसमें हमने डाल दिया है ग्रीन चिली। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ग्रीन चिली। अब इसमें मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है और इनको अच्छे से मिक्स कर दिया। नमक हम यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर देंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे आलू में ऑलरेडी नमक को डाला है, इसलिए हम दही में नमक को ऐड नहीं करेंगे। तो इससे हमारा टेस्ट बिल्कुल बैलेंस बना रहेगा। अब जो मैंने फ्राई किए हुए आलू को बनाया है उसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे और बहुत ही अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। दही के साथ आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए, हमारी आलू और दही की सूखी सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो ये देखिए, खाने और देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप सब अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इनको सर्व करने के पहले आप इसके अंदर डाल दें थोड़ा सा हरा धनिया की पत्ती, जिससे ये देखने में और भी अच्छी लगेगी। तो अगर धनिया की पत्ती आप सब नहीं खाना पसंद करते तो आप इसके भी खा सकते हो। अगर आपके पास धनिया की चटनी अवेलेबल हो तो आप 1 चम्मच के करीब धनिया की चटनी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी आलू दही की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो ये लीजिए, हमारी दही और आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो आइए हम दूसरी ग्रेवी वाली सब्जी को देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम कढ़ाई को गर्म कर लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है देसी घी और फिर मैंने 1 चॉप किए हुए टमाटर को डाल दिया और इनको अच्छे से गला लेना है। जब सब टमाटर हमारा अच्छे से गल जाएगा तो इसके अंदर हमने बॉइल्ड किए हुए आलू डाल देंगे, जो मैंने पहले से ही बॉइल्ड किया है और कट करके इनको रख लिया है। आलू तो टमाटर के साथ हमको 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, जिससे हमारा टमाटर का कलर आलू में अच्छे से लिपट जाए। और फिर उसके बाद हम इसके आगे के प्रोसेस को देखते हैं। तब तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाएगी। अगर आप सबको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो एक प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेट हो और मैं आप सबके लिए ऐसी ही रेसिपी लेके आती रहूँगी। कोई रेसिपी रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आती हूँ। तो ये देखिए, हमारा सब्जी में आलू और टमाटर कितने अच्छे से मिक्स हो गया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और साथ में इसमें हम डाल देंगे धनिया की पत्ती। बस इनको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इनको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। सर्व करने के पहले आप इनके ऊपर नींबू निचोड़ लें और फिर आप अपने इनको ग्रीन चिली के साथ भी सर्व कर सकते हैं। पकौड़े या फिर पूड़े के साथ हम इनको सर्व करिए, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। खट्टी मीठी आलू और दही वाले आलू की सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें, जिससे मुझे पता चले कि आप सबको मेरी वीडियो कितनी अच्छी लगे। तो एक प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। खाते रहिए, बनाते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें।